उद्योगों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने को लेकर ईस्टर्न कॉरिडोर के लिए सरकार ने विश्व बैंक से $65 करोड़ का करार किया है। 1840 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से उत्तर भारत में लुधियाना से लेकर और पूर्वी भारत में कोलकाता तक उद्योगों को जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के पुणे में कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप हुआ है। मामला बागोली में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का है। केस में आरोपी 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों पीड़ित छात्रा के साथ ही पढ़ते थे। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान दिसंबर में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इन राज्यों में जनवरी से मार्च के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं। पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में एक ही राउंड में मतदान होने की उम्मीद है। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग 6 से 7 चरणों में वोटिंग कर सकता है। रांची में झारखंड कांग्रेस की बैठक में काफी हंगामा हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत और विरोधी गुट के समर्थकों ने बैठक में काफी नारेबाजी की। कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में पहुंचे थे। नाराज गुट के विधायक मनोज यादव और इरफान अंसारी ने सुखदेव भगत को पद से हटाने की मांग की। ओडिशा के बालासोर में SUM हॉस्पिटल में लगी आग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अतानु सब्यसाची नायक ने इस्तीफा दे दिया है। इस हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल में सुरक्षा मानकों की काफी अनदेखी सामने आई थी। माफिया डॉन से नेता बने अरुण गवली को नागपुर के सेंट्रल जेल से 12 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया है। गवली को पत्नी की बीमारी के आधार पर 2 नवंबर तक पैरोल मिला है। गवली को शिवसेना नगर सेवक कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। CBSE 10वीं में एक बार फिर से इम्तिहान शुरू कर सकता है। 25 अक्टूबर को होने वाली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक 2018 से 10वीं के छात्रों के लिए इम्तिहान जरूरी हो जाएगा। दलील है कि इम्तिहान नहीं होने से शिक्षा का स्तर गिर रहा है। CBSE ने 2010 में छात्रों पर दबाव कम करने के लिए पूरे साल के टेस्ट के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों की अदला बदली मामले पर हाईकोर्ट ने DNA रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाते हुए नवजात बच्चों को उनके असली माता पिता को 26 अक्टूबर तक सौंपने का आदेश दिया है। इस फैसले से बच्चों के माँ बाप खुश हैं। वहीं अदला बदली के जिम्मेदार अस्पताल स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। ओडिशा के सुदर्शन पटनायक को इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पुरी के कोणार्क में 1 दिसंबर से होने वाले इस फेस्टिवल में विश्व भर से सैंड आर्टिस्ट शामिल होंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 3 दिनों तक चलने वाले तवांग फेस्टिवल का आज दूसरा दिन है। अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन और वहां की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये फेस्टिवल किया जा रहा है। तवांग से चीन की सीमा सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है और यहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ भी है।